हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन माय चैनल स्टिच माय वर्ल्ड। आज के इस वीडियो में योग पट्टी की ड्राफ्टिंग समझेंगे, ठीक है। योग पट्टी और जो हम अलग से पट्टी लगा कर बनाते, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या समझना है, योग पट्टी की ड्राफ्टिंग, जैसे कि दो तरीके से ब्लाउज़ बनाया जाता है वो समझिए। पहला जो बनता है योग पट्टी ब्लाउज़, जो दूसरा वाला बनता है सिंपल पट्टी, यानी कि दोनों में क्या डिफरेंस है वो समझाते हैं। जैसे कि शोल्डर है, ये नेक है, इस टाइप की जो इसमें ये पट्टी आती है, इसी को हम बोलते हैं योग पट्टी ब्लाउज़, ठीक है। जो ये पट्टी आती है इसी को हम योग पट्टी ब्लाउज़ बोलते हैं। और जो सिंपल वाला बनता है, इसे हम बोलते हैं सिंपल पट्टी वाला। तो दोनों में डिफरेंस होता है कि इन दोनों में बनाते कैसे, तो आज इसके बारे में बात कर रही हूँ। देखो, योग पट्टी ब्लाउज़ बनाने के लिए जो मेज़रमेंट था, वीडियो में ड्राफ्टिंग सीख लो, ठीक है। सबसे पहले क्या समझना है, जैसे कि जो कपड़ा होता है, जैसे कि कपड़ा है, इसको ऐसे डबल फोल्ड में करना पड़ता है हमें, ठीक है। ये डबल फोल्ड में होता है तो उसकी ड्राफ्टिंग बनती है। देखिए, मैं वीडियो के माध्यम से समझा रही हूँ। जैसे कि आपकी ब्लाउज़ की लेंथ लेनी है आपने, तो जितनी भी ब्लाउज़ की लेंथ है शोल्डर से लेना है, जैसे कि शोल्डर का जो कट आता है, बिटवीन का हिस्सा, बीच का हिस्सा, जैसे सिलाई आती है, वहाँ से आपने अपना इंची टेप रखना है और यहाँ तक, जैसे कि हम ब्रा पहनते हैं तो ब्रा से एक इंच नीचे, इनर से एक इंच नीचे आपका ब्लाउज़ की लेंथ आनी है, ठीक है। आप अपने कस्टमर से भी पूछ सकते हो कि उसको कितना चाहिए, और आप अपने अंदाजे से भी लगा सकती हो। 14 इंच वो काफ़ी बड़ा हो रहा था, तो कितना है यहाँ पर, 13 इंच परफेक्ट ब्लाउज़ की लंबाई आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से ब्लाउज़ की लंबाई निकाली जाती है। मैं योग पट्टी ब्लाउज़ की मैं ड्राफ्टिंग बता रही हूँ, तो सबसे पहले क्या समझना है वो चीज़ देख लीजिए। जितनी भी टोटल लेंथ होती है ब्लाउज़ में, बैक नेक में, और बिना अस्तर वाला, यहाँ पर कोई अस्तर वाले ब्लाउज़ की कटिंग नहीं होगी, बिना अस्तर वाले ब्लाउज़ में यहाँ पे 1.5 इंच आपने यहाँ से छोड़ना है। जैसे कि यहाँ से 1.5 इंच छोड़ेंगे, ठीक है, तो यहाँ से 1.5 इंच छोड़ना है आपने, और एक सीधा लाइन ड्रॉ कर देना है, क्योंकि यहाँ पर तुरपाई के लिए मुड़ेगा, ठीक है, और 1/2 इंच यहाँ पर सिलाई में भी दबेगा। और ऊपर से जितनी भी फिर टोटल लेंथ है आपकी, जैसे कि 13 इंच है, 14 इंच है, 15 इंच है, तो यहाँ पर 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। जैसे कि ब्लाउज़ की टोटल लेंथ 13 इंच है, तो यहाँ पे मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया, क्योंकि यहाँ पे शोल्डर की सिलाई में भी दबेगा। जब हम शोल्डर दबाएंगे तो 1/2 इंच यहाँ पर भी आ जाएगा। उसके बाद क्या समझना है, इतना ड्राफ्टिंग करने के बाद आपने अपने शोल्डर का निशान लगाना है। शोल्डर का निशान हमेशा बैक नेक के डीप के अकॉर्डिंग होता है। जैसे कि शोल्डर 14 इंच है, पूरा लेंगे शोल्डर तो कितना आ रहा, 14 इंच, तो उसका हाफ करो कितना आ रहा है, 7 इंच। लेकिन हम 7 इंच नहीं लेंगे, जितना नेक डीप होता है उतना शोल्डर कम होता जाता है। अगर 8 से ऊपर बना रहे हो, 8, 9, 10 या उससे ऊपर नेक बना रहे हो, तो 2 इंच कम कर देना। 8 से थोड़ा छोटा बना रही, इनकी 7 बना रही है, 6 बना रही है, तो वहाँ पर क्या नाम है, 1.5 इंच आप यहाँ पर कम कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर कितना इंच करना है, 1.5 इंच, और 5 और 4 में हमें कितना कम करना है, 1 इंच, ठीक है। यानी कि हाँ, अब इसके बहुत सारे ट्रिक होती है, ज़रूरी नहीं कि आपको ज़्यादा डीप नेक चाहिए, तो शोल्डर भी क्या होता है, थोड़ा थोड़ा कम होता चला जाता है। जैसे कि 7 इंच का नेक है, तो डीप नेक अगर मैं बैक नेक 9 बना रही हूँ, तो यहाँ पे 2 इंच कम कर दूँगी मैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 इंच, ठीक है। तो मान लीजिए इसके 9 इंच का नेक बना रही हूँ, तो यहाँ से मैंने 2 इंच कम कर दिए, तो 7 था, तो यहाँ से 2 कम कर दिए, तो कितना आ गया, 5 इंच। अब 5 इंच का बैक नेक है, तो उसमें भी आर्म होल कितना लेना है, 5.5, क्यों, जितना आप शोल्डर लेती हैं उसमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। और यहाँ पर अगर 5 इंच लिया है, तो यहाँ से भी कितना आएगा, 5 इंच ही आएगा। 5 इंच पर ही निशान लगाना है और एक बॉक्स बना लेना है।
उसके बाद क्या करना है समझिए, अब जितना भी आपका चेस्ट होता है, जैसे कि जैसे 32 चेस्ट का बना रही है, 34 किसी का भी बनाती है, तो उसका चौथा हिस्सा कितना आसानी से निकालते, जैसे 32 का बना रही है, ये उन लोगों के लिए जिसको चौथा हिस्सा निकालने में डिफ़िकल्टी आती है, 34 है तो इसको ऐसे 34 पिंच टेप रखिए, डबल कर दीजिए, डबल करने पर 32 का हाफ कितना आ रहा है 16, फिर 16 से डबल कर दीजिए, 16 इंच से डबल करें तो कितना आ रहा है 8 इंच, तो इस तरीके से चौथा हिस्सा आराम से निकल जाता है। तो इसका चौथा हिस्सा कितना आ गया 8 इंच, और ब्लाउज़ में हम कोई भी लूजिंग नहीं लेनी, ठीक है, ये 8 इंच ले लिया। उसके बाद अब हमें कमर का निशान लगाना है, तो कमर कितनी है इसे 26, तो 26 कमर है तो 26 13, इसको उस पर इंची टेप रखना है, इसको डबल फोल्ड करना है, 13 आया, फिर 13 पे एक और डबल फोल्ड करेंगे, कितना आ गया 6.5 इंच। तो इस तरीके से हम चौथा हिस्सा आराम से निकाल लेते हैं। तो 6.5 इंच कमर है, जितनी भी कमर आती है इसी तरीके से चौथा हिस्सा करके इंची टेप से निकाल लेते हैं, तो 6.5 आ गया। अब टक्स लगाते हैं, टक्स क्या होती है, जो ब्लाउज़ में स्टिचिंग के लिए लगाते हैं, फिटिंग देने के लिए, अच्छे से शेप देने के लिए, आप चाहो तो 1 इंच या 1.25 इंच पर आप निशान लगा सकती हैं। तो यहाँ से मैं 1.25 इंच ले रही हूँ, आप चाहो तो 1 इंच भी ले सकती हैं, क्योंकि जब एक्स्ट्रा कपड़ा होता है तो हम एक्स्ट्रा ले सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं। अब 1.5 या 2 इंच का मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग रख लीजिए। तो यहाँ पे से कि मैंने 1.5 इंच का मार्जिन रख रही हूँ, ठीक है, और यहाँ भी मैं 1.5 इंच का मार्जिन रख रही हूँ। अब उसके बाद इनको सीधा मिला देना है, इसको भी सीधा ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से इतना हो गया। ये हमारा बैक पीस है, तो बैक पीस में ये करना है। अब आती है बैक पीस में हमें आर्म होल की गोलाई कितनी देनी होती है, 1.5 इंच, यानी कि 1.5 इंच पर आर्म होल की गोलाई आती है, जितना भी शोल्डर आ रहा है उसका हमें हाफ़ करना होता है, उसका हाफ़ करेंगी। अगर आपके पास फ्रेंच कर्व है ऐसे राउंड वाला तो इससे करिए, ठीक है, नहीं है तो प्लेट लगाकर भी कर सकती हैं, यहाँ पे साइड में एक प्लेट रखिए और कर दीजिए, तो इससे एक राउंड शेप आपने देनी है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, क्या नाम है, ये बैक की तो 1 इंच की, यहाँ पे 1.5 इंच की देनी, सॉरी, तो 1.5 इंच यहाँ आ रहा है, तो यहाँ रखना है उसको, 1.5 इंच यहाँ से देनी है इसको, इस पॉइंट से मिलाते हुए इस तरीके से, ठीक है, ये नहीं है, ये वाली है 1.5 इंच, 1.5 इंच की ये वाली, ठीक है। तो 1.5 इंच की बैक में आती है, तो 1.5 इंच की हमें यहाँ पर देनी होती है, ठीक है। इसके बाद अब क्या करना है, शोल्डर, तो शोल्डर कितने लेने हैं पर 2 इंचीज़, देखिए जितने भी चेस्ट है यहाँ पे, छोटे की बात करूँ 30 और 32 में और 34 में, आप यहाँ पे 2 इंच ले सकती हैं। जैसे 2.5 इंच का नेक रेडी करना, तो यहाँ पे 2 इंच लीजिए, छोटे में 30 में 2 इंच लीजिए, 32 में भी 2 इंच लीजिए, और 36 में कितना लेना है 2.2 पॉइंट ज़्यादा ले सकती हैं, और 38 40 42 यहाँ पे 2.5 इंच ही रखी, जितना भी नेक रखना है, क्योंकि नेक सिलते वक्त क्या होती है, ये फैल जाता है, तो इसलिए यहाँ पर हमें 2 इंच ही रखना है। और जब यहाँ से शोल्डर से 2 इंच लिया है, तो नीचे से अब इसकी लंबाई ले लो, जितना भी आपने बैक की रखनी है, तो बैक का इसके 9 इंच है, तो यहाँ से मैं 9.5 इंच लूँगी, जैसे कि बैक नेक हमारा कितना है 9.5 इंच, 9 इंच है, तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, और यहाँ से बैक नेक में 2.5 इंच में ले रही, क्योंकि थोड़ा सा शेप आ जाएगी अच्छे से, तो नीचे से आप बढ़ा सकते हैं लेकिन ऊपर से नहीं, और एक बॉक्स बनाना है, ठीक है। अब इसके अंदर जो शेप देनी आप बना सकते हैं, जो भी राउंड शेप देनी है आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकती हैं, ठीक है। चाहो तो फ्रेंच कर्व से भी दे सकती हैं, और चाहो तो अपने हाथ से थोड़ा सा अपने तरीके से दे सकती हैं। ये हो गया। अब इसके बाद अब आपने टक्स का निशान लगाना है, तो देखिए अब मैं टक्स पॉइंट के बारे में बता रही हूँ कि टक्स पॉइंट क्या होती है। जो लेडी का निप्पल एरिया होता है उसको हम टक्स बोलते हैं। जैसे किसी की टक्स जो है 10 इंच पर आती है, जो बड़ा
हाइट की रेडी होती है, किसी की नौ पर, किसी की साढ़े नौ पर, तीन टक्स के पॉइंट होते हैं। तो जैसे कि मेरे टक्स यहाँ पर 9.5 इंच पर आ रहे हैं, तो यही हम बोलते हैं टक्स एरिया, ठीक है। तो टक्स का निशान किस तरीके से लगाना है ये समझ लीजिए। ये फिटिंग वाले निशान से ये कितना आ रहा है, 8 इंच ना, इसको इंची टेप को फोल्ड करिए और ये कितना आ रहा है, जितना भी इसका हाफ आया है इस पर रखिए और यहाँ से निशान लगा दीजिए। ये ठीक है। अब हमने 1.25 इंच लिया है, तो यहाँ पर समझिए 1/2 इंच 2 पॉइंट ज़्यादा ले लीजिए यानी कि आधा इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा आप यहाँ टक्स का निशान ले सकती हैं, ठीक है। ये बैक की 2 टक्स डलती है आगे और पीछे, 2 टक्स आती है, इससे ज़्यादा बैक में नहीं डलती, ठीक है। अब क्या करना है, शोल्डर भी डाउन करने होते हैं। जब हम बैक नेक डीप बना रहे हैं तो शोल्डर थोड़ा सा हमें नेक की तरफ ही, यानी कि जो बैक नेक है उसकी तरफ ही रखना पड़ता है इस तरीके से। इतना समझ आ गया, ये बैक का है तो बैक की कटिंग हमें यहाँ से यहाँ तक करनी है। और नीचे क्या करना है, इसको सीधा स्ट्रेट ड्रॉ करके यहाँ पे कट जरूर लगाना होता है, ठीक है। ये कट लगा दिया, तो इस तरीके से बैक पल्ले की कटिंग हो जाती है। अब हमें फ्रंट की करनी है, तो फ्रंट की बता रही हूँ कि फ्रंट में किस तरीके से करना है। जैसे कि बैक पीस कटिंग हो गई आपकी, ठीक है। अभी बैक पीस समझो कि कितना है, यहाँ से यहाँ तक कितना आ रहा, 15 इंच हमें टोटल रेडी करना है 13 इंच पर, है ना। 1/2 इंच यहाँ शोल्डर में दब जाएगा, तो जब शोल्डर में दब गया तो कितना बचा यहाँ से, ये कितना बच गया यहाँ से, 14.5 इंच, 14.5 इंच बचा। अब क्या समझना, ये देखो जैसे कि टोटल लेंथ 15 इंच है बैक की, 1/2 इंच इसमें दब गया तो कितना आ गया, 14.5 इंच, यानी कि जो शोल्डर की सिलाई आ रही है यहाँ से 1/2 इंच दब के 14.5 इंच आ गया, और 1/2 इंच आपके इसके मार्जिन में भी दबेगा, है ना। तो 1/2 इंच यहाँ का मार्जिन भी दब गया, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, खाली 1 इंच, समझ आ गया। तो यानी कि हमने 1/2 इंच इधर लिया और 1/2 इंच इधर लिया और 1 इंच फोल्डिंग के लिया। अब योग पट्टी बनाना है, तो योग पट्टी के लिए क्या करना है वो समझ लो। जितना भी आ रहा है आपका सेम टू सेम लेंथ रखनी, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है, ठीक है। बस 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लो, क्योंकि थोड़ा सा हम योग पट्टी में जोड़ेंगे तो उसके लिए ले लो, 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है यहाँ से, बस एक्स्ट्रा ले लो बस। ये हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया। अब यहाँ से क्या करना है, फ्रंट की कटिंग, फ्रंट बना रहे हैं तो फ्रंट के लिए भी यहाँ से भी 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। ये हमें इसलिए लेते हैं ताकि जब हम हुक और आई लगाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, मार्जिन आएगा, ठीक है। ले लिया, अब यहाँ से कितना लेंथ है आपकी, जैसे 1/2 इंच टोटल लेंथ 13 इंच है ना आपकी, तो यहाँ से 13.5 1/2 इंच ऊपर के लिए भी लेंगे यहाँ से, यानी कि 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए इसको ऊपर रखिए और सेम टू सेम यहाँ पे निशान लगा लीजिए, बस 1/2 इंच बस नीचे से हमें ज़्यादा लेना है। 1/2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया यहाँ से शोल्डर की सिलाई के लिए, कि टक्स में भी दबेगा, तो 1/2 इंच फिर हमें और ज़रूरत पड़ जाएगी, कितना आगे, 14 इंच, है ना। और जब हम योग पट्टी भी यहाँ से जोड़ेंगे, यहाँ से अगर हम योग पट्टी बनाएंगे तो 1/2 इंच इसका भी मार्जिन चाहिए होगा, तो यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे 14.5 इंच। तो टोटल मिला के आपको 2 इंच या 2.5 इंच आप जितना जोड़ती है नीचे उतना ले लीजिए, ठीक है। जैसे कि टोटल लेंथ 13 है, तो यहाँ से मैंने 2 इंच या 2.5 इंच, जैसे 13 है तो 1, 2 इतने अकॉर्डिंग रखना है, क्योंकि ये तो देखो यहाँ से फोल्ड में चला जाएगा। जब हम यहाँ से फोल्ड कर देंगे तो हमें योग पट्टी के लिए जो मार्जिन चाहिए होगा, यहीं से तो योग पट्टी बनेगी, इसी के अंदर तो योग पट्टी आनी है ना, कि योग पट्टी हमारा यहाँ से आना चाहिए। तो ये चीज़ समझनी है, जब 1/2 इंच आपका नीचे से चला गया योग पट्टी का फोल्डिंग के लिए, तो आप अपना अंदाजे से लगा लीजिए कि योग पट्टी आपने कहाँ बनानी है। जैसे कि 2 इंच है, तो यहाँ पर 2 इंच पर निशान लगा लीजिए, ठीक है। 2 इंच पर ऐसे निशान लगा लिया,
अब क्या करना है, आपकी जो टोटल लेंथ आ रही है वो देखिए कितनी आ रही है, 13 इंच है ना, तो 13 इंच तो ये परफेक्ट आ रही है ना। तो यहाँ के शोल्डर की सिलाई के लिए 13 इंच तो हमें चाहिए। देखिए इसको इस तरीके से रखा, जैसे कि यहाँ से फोल्ड करें तो यहाँ से 13.5 इंच यानी कि 1/2 इंच और एक्स्ट्रा लीजिए, 13.5 इंच ठीक है, क्योंकि 1/2 इंच शोल्डर की सिलाई में जाएगा और 1/2 कहाँ जाएगा, नीचे की सिलाई में, तो 13.5 इंच बच गया। तो 1/2 जब शोल्डर की सिलाई में चला जाएगा तो 13 इंच यहाँ से बैठ जाएगा, जब भी शोल्डर की सिलाई में चला जाएगा तो 13 इंच बैठ जाएगा। अब तुमको खुद समझना है कि योग पट्टी कहाँ बनाना चाहती हो, 2 पे बनाना चाहती हो, 2.5 पे बनाना चाहती हो, थोड़ा ऊंचा रखना चाहती हो। अगर 2.5 पर बनाना है तो 1/2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना पड़ता है ऐसे गुलाई देने के लिए, ठीक है। तो अभी मैं समझाती हूँ कैसे बनाना है। ये 1/2 इंच हमारा योग पट्टी के लिए हो गया कि नीचे भी हमें फोल्डिंग के लिए चाहिए होगा और यहाँ से भी हमें मार्जिन चाहिए होगा, ठीक है। तो अब इसको देखते हुए 13 इंच है, यहाँ से 1/2 इंच शोल्डर के लिए भी मार्जिन ले लिया, 13.5 हो गया, और टक्स के लिए भी मार्जिन ले लिया, यहाँ जब टक्स लगाएंगे तो 14 इंच हो गया, ठीक है। तो टोटल जो मार्जिन हमें मिला है 13 और यहाँ से 1, तो 1.5 इंच हमने यानी कि 2 इंच हमने एक्स्ट्रा यहाँ से लेना है, शोल्डर के लिए भी टक्स, शोल्डर के इसमें भी जाएगा, टक्स में भी जाएगा, और 1/2 इंच यहाँ भी जाएगा, ठीक है, और 1/2 इंच नीचे फोल्डिंग में भी जाएगा। तो 2 इंच मार्जिन लेना, जैसे 13 इंच का ब्लाउज है तो यहाँ से आपने 2 इंच मार्जिन लेगी, तो यहाँ पे निशान लगा देगी। अब यहाँ से शोल्डर सीधा लाइन ड्रॉ कर देना है, क्योंकि यहाँ पर फोल्डिंग के लिए नहीं चाहिए हमें, ठीक है। जितना आपने बैक में 2 इंच लिया है, आप यहाँ पे भी बैक के फ्रंट के लिए भी 2 इंच लीजिए, क्योंकि बिना अस्तर वाला है, ये अस्तर वाला नहीं है। तो यहाँ पे 15 इंच जितना हमने इसमें लिया है शोल्डर, 5 इंच उतना ही इसमें लेंगे, में जैसे 5 इंच शोल्डर लिया तो 5.5 इंच आर्म होल इधर लेंगे, 1/2 इंच एक्स्ट्रा, 5 इंच में आप निशान लगा देंगे। अभी इसको छोड़कर, ये वाले एरिया को छोड़ते, जो कि ये वाला जो होता है हमारा हुकाई पट्टी में जाता है, तो इस मार्जिन को नहीं गिनना। जितना भी चेस्ट आ रहा है, जैसे 32 का चेस्ट है, उसका चौथा हिस्सा कितना निकला, 8 इंच, और चौथा हिस्सा कितना, 6 हमारी कमर है, और 1 इंच है 1/4 इंच, आप अपने अनुसार टक्स लगा सकती हैं, ठीक है, 1 इंच की भी लगा सकती हैं, 1/4 इंच की भी लगा सकती हैं, 1.5 इंच या 2 इंच का मार्जिन आप ले सकती हैं, यहाँ से 1.5 इंच या 2 इंच, यहाँ से भी 1.5 इंच जितना आपने नीचे लिया तो यहाँ से भी 1.5 इंच मार्जिन लेना है, ठीक है। अब आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है, और एक चीज़ और बता दूँ, जब हम यहाँ पे शोल्डर ये हुकाई का पट्टी छोड़ते हैं तो क्या करते हैं कि यहाँ से हमारे जब हम टक्स लगाते हैं तो थोड़ा सा क्या होता है, कपड़ा ये बैक में तो नहीं आती टक्स, लेकिन जब फ्रंट में लगाते तो आपने यहाँ से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेके चलिए, बैक पीस को रखिए और यहाँ से 1/2 इंच आपने यहाँ से एक्स्ट्रा लेना है। ये टक्स के लिए लेते हैं, क्योंकि जब हम टक्स लगाते तो यहाँ से हमें कपड़ा कम पड़ जाता है, ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है इसमें, 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है, और कुछ नहीं चेंज करना। अब आर्म होल का ये देख लेते हैं, 1/2 इंच आपने अंदर से लेना है और इसको यहाँ से लाइन ड्रॉ करनी है, आपके पास ऐसा कर्व है तो इससे एक राउंड शेप दे दीजिए, यानी कि 1 इंच की हमें यहाँ पे गुलाई चाहिए होती है। अगर नहीं है तो कुछ नहीं करना, इसको इंची टेप को रखिए, इसका शोल्डर का 1/2 कर दीजिए, ठीक है, और यहाँ पर 1 इंच का निशान लगाकर आप चाहो तो यहाँ से गुलाई दे दीजिए, और नहीं है तो फिर आप कर्व यूज़ कर लीजिए इस तरीके से, कर्व से भी आप 1 इंच की गुलाई आराम से दे सकती है, ठीक है। तो ये हमारी फ्रंट की कटिंग हो जाती है। अब हमें क्या करना है, 2 इंच हम मार्जिन लिया है ना, तो 2 इंच छोड़कर आपने यहाँ पर कितने इंच पर आपने रेडी करना है ब्लाउज, जैसे कि मान लीजिए 1 इंच जो हम, जैसे कि मान लीजिए हम योग पट्टी बनाते हैं, जैसे योग पट्टी ऐसे बनता है, ठीक है, ये योग पट्टी बनता है ऐसे, तो इसके लिए भी हमें नीचे का मार्जिन फोल्डिंग के लिए चला गया और ऊपर की कमर के लिए भी चला, तो 1 इंच चला गया यहाँ से, है ना, तो 1 इंच यहाँ से चला गया और 1 इंच 1/2 इंच यहाँ शोल्डर के लिए भी चला गया
और हाफ इंच यहाँ टक्स के लिए, तो 2 इंच चला गया हमारा। तो उससे पहले यहाँ पे पहले शोल्डर का निशान लगा लेते हैं, और जितना भी बैक नेक फ्रंट नेक है 6 है, रेडी करना है तो 6.5 लोगे, जितना भी आपको रेडी करना है उसमें हाफ इंच एक्स्ट्रा। और यहाँ से 2 इंच गले की चौड़ाई भी रख सकती है, जितना आप ऊपर रखते हैं उतना नीचे रखिए, लेकिन नीचे से थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हैं, लेकिन ऊपर से हम नहीं बढ़ा सकते। एक बॉक्स ड्रॉ करके इसमें एक राउंड शेप दे देनी है, ठीक है, समझिए। जैसे कि हाफ इंच हमारा यहाँ से दब गया, और हाफ इंच हमारा डबल में होता है, ये जो कपड़ा होता है हमारे डबल में होता है, ठीक है, जब हम सिलाई करेंगे तो उस पर डबल में करेंगे। और हाफ इंच यहाँ से दब गया, ठीक है, 2 होंगे ऐसा, ये हो गया। अब यहाँ से भी टक्स, यहाँ से भी सिलाई में चला गया ये, तो हाफ इंच यहाँ से इसका चला गया और हाफ इंच शोल्डर की सिलाई में चला गया और हाफ इंच यहाँ टक्स में चला गया। तो समझ लो यहाँ से, यानी कि 1 इंच जैसे कि ऊपर से चला गया इसका हाफ इंच और हाफ इंच इसका और हाफ इंच इसका और हाफ इंच नीचे का। अब देख लो कितना बैठ रहा है ये। तो यहाँ से जैसे कि हाफ इंच करेंगे तो 13 इंच आपका ब्लाउज यहाँ से रेडी मिलेगा आपको, समझ आ गया। तो 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है और कुछ नहीं लेना है इसमें, कोई ऊपर नीचे नहीं जाएगा और बुरखावड़ नहीं होगा, इस तरीके से जो पट्टी ब्लाउज हो जाता है। मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।